नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश भर में छाए चुनावी माहौल के बीच कभी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर फिल्म बन रही है तो कभी पीएम नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है। सियासी घटनाओं और नेताओं पर आने वाली फिल्मों से गरमाई सियासत में इन दिनों एक किताब ने भी धमाकेदार एंट्री मारी है, वाई टू वोट फॉर राहुल गांधी अ डिटेल्ड डायरी। इस शीर्षक से बाजार में आई ये किताब खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर लिखी गई है। किताब में पूछा गया है कि राहुल गांधी को आने वाले चुनाव में वोट क्यों दें। वैसे राजनीति और व्यंग का बड़ा गहरा नाता रहा है, शायद इसीलिए लेखक शिवम चौधरी ने ये अनोखी व्यंग्यात्मक किताब लिखी है। आप कितने ही बड़े पढ़ाकू क्यों ना हो, आपने भी शायद ही ऐसी किताब पढ़ी होगी। लेखक शिवम के मुताबिक राहुल गांधी के अब तक के सियासी कार्यकाल यानी 2004 से 2018 के बीच करीब 14 साल के रिसर्च के बाद ये किताब लिखी गई है। किताब में लेखक ने कुल 12 मुद्दों पर 12 चैप्टर दिए हैं, जिस पर राहुल गांधी की सोच और समझ के बारे में जिक्र किया है, जैसे आरएसएस पर राय, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, कृषि, महिला सुरक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचा, विदेश नीति, शिक्षा, आरक्षण, स्वास्थ्य, सिद्धांत और नीति। किताब में इन 12 मुद्दों के बारे में जिक्र तो किया गया है, लेकिन लिखा कुछ नहीं है। यानी कंटेंट टेबल देखकर अगर आप भी पन्ने पलटेंगे तो आपको सिर्फ मुद्दे दिखेंगे, उस पर राहुल गांधी की राय क्या है वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब नजर आएंगे। दरअसल लेखक शिवम ने पूरी की पूरी किताब ही खाली छोड़ रखी है। राहुल गांधी पर देश में बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं और बहुत सारी बातें बोली भी जा रही हैं। हमारे साथ शिवम चौधरी हैं, जिन्होंने एक पूरी किताब लिख दी है राहुल गांधी पर। ये किताब देखिए, वाई टू वोट फॉर राहुल गांधी उन्होंने इस किताब का नाम दिया है, अ डिटेल्ड डायरी। लेकिन जब आप इस किताब को खोलेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि इस किताब में कुछ नहीं है। पूरा जो पन्ना है इस किताब का वो खाली है, ब्लैंक है। पूरा पन्ना इसका ब्लैंक है, आप देखिए सफ़ेद पन्ने हैं सिर्फ इस किताब में। तो शिवम, इस किताब को लिखने के पीछे आपका मतलब मकसद क्या था कि आपने पूरी किताब लिख दी और वो भी खाली किताब, बिल्कुल ब्लैंक पेज वाली? देखिए, पिछले 4.5 साल में एक जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम बात करते हैं तो मोदी जी के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़ा गया, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर जब मैंने सर्च किया कि भाई राहुल गांधी के ऊपर भी डिस्कशन किया जाए, उन्हें भी देखा जाए, तो मुझे कोई साहित्य नहीं मिला, कोई क्रेडिबल साहित्य नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना राहुल गांधी के ऊपर रिसर्च की जाए और एक व्यू पॉइंट रखा जाए एज अ सिटीज़न देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर के लिए। तो मैंने जो उनके पूरे 14 ईयर्स का जो उनका पूरा संसदीय जीवन है उसे उठाया, उनके पूरे आइडियाज़ को, उनके नैरेटिव्स को, सॉल्यूशंस को इस राष्ट्र की प्रॉब्लम्स के लिए, 12 महत्वपूर्ण जो इस राष्ट्र की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैंने देखा, उनकी स्पीचेस को सुना, मुझे उनके लिए जो मिला वो मैंने इस किताब में डाल दिया। और वो आपको कुछ नहीं मिला, आपने किताब तो ब्लैंक छोड़ दी। आपने वो 12 पॉइंट्स कौन कौन से लिए हैं? टेक ऑन आरएसएस, इकॉनमी, करप्शन, एग्रीकल्चर, वुमेन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन, रिजर्वेशन, हेल्थ, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। इसमें आपको कुछ नहीं मिला राहुल गांधी? इसमें से कोई भी एक ऐसा इशू नहीं है जो रिलेवेंट ना हो, सारे बहुत रिलेवेंट इशूज़ हैं। पहला चैप्टर आरएसएस के ऊपर उठाते हैं, उनकी 90% स्पीच आरएसएस को हो जाती है। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको बुक, ये इकोनॉमी जो चैप्टर है ये राहुल गांधी और पिछले 10 साल की यूपीए सरकार का वाइट पेपर है, ये बिल्कुल श्वेत पत्र है उनकी सरकार का। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ देश को एनपीएस दिए, कर्जे वाले किसान दिए, उन्होंने डूबती इकोनॉमी दी और उन्होंने कुछ नहीं दिया। उनका ये योगदान बिल्कुल शून्य है, देश को उनका कोई भी आइडिया, विजन नहीं है देश की किसी भी प्रॉब्लम के लिए। इसलिए ये किताब, देखिए आप ये कहेंगे किताब खाली क्यों है, कोई न्यूज़ चैनल खाली स्पेस छोड़ देता है, कोई पत्रिका खाली पेज छोड़ देती है, आप उसे क्रिटिसिज्म कहते हैं, इसे सार्केज्म कहते हैं। ये सार्केज्म नहीं है, क्रिटिसिज्म ही है और ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कह के या लिख के कही जाए, बहुत चीज़ें बिना लिखे भी कही जा सकती हैं। मेन मोटिव होता है मैसेज कन्वे करना, वो मैसेज मैंने इस बुक के द्वारा कन्वे करने की पूरी कोशिश की। अच्छा ये बताइए कि इन 12 पॉइंट्स में एम्प्लॉयमेंट पे तो बहुत बोले हैं अभी राहुल गांधी, पिछले सेशन में हमने देखा जब मानसून सेशन चल रहा था एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़बरदस्त बहस हुई, रिजर्वेशन पर भी काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है, प्रिंसिपल और वैल्यूज़ पर तो हाल ही में उन्होंने राफेल डील पर कहा है, तो फिर भी आपको कुछ कोई पॉइंट नहीं मिला, ईमानदारी से आप बताइए। देखिए, जो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं, मैं कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड ही कहूँगा क्योंकि वो हमें पता है अगले 15 साल में उसका अध्यक्ष कौन होगा, अगले 20 साल में अध्यक्ष कौन होगा हमें पता है, तो एक प्राइवेट ओन लिमिटेड कंपनी ही है। तो उन्होंने बोला बहुत कुछ है, लेकिन उनकी सरकार जब 10 साल सरकार रही, 55 साल
कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, यानी वो अपना रिपोर्ट कार्ड देश को दे रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई। अब मोदी गवर्नमेंट या मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये इलेक्शन में जनता बताएगी, लेकिन वो आगे डिसाइड होगा। वो भी फेल हो सकते हैं, वो पास भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी फेलियर हैं। शिवम लिखते हैं, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू ऑल दोज हु थिंक राहुल गांधी जी इज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब आपका ये मानना है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर लायक नहीं है? देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि वो प्राइम मिनिस्टर लायक है या नहीं। मैं एज ए ऑथर, मुझे जो मिला एज ए ऑथर और एज ए सिटीजन, ऑथर अपना व्यू पॉइंट रखता है, तो ऑथर और एज ए सिटीजन मुझे जो मिला वो मैंने रिसर्च किया, एक अध्ययन किया और देश की जनता के सामने रख दिया। अब वो क्या निर्णय लेती है ये आपको अप्रैल और मई में पता चलिए। अब ये खुली किताब है, बिल्कुल खाली किताब। इस किताब का जो प्राइस है वो 272 है। वो बुक और राहुल गांधी दोनों के लिए मैजिकल फिगर है और आप इसे अमेजन पे से भी खरीद सकते हैं। अभी तक कितनी कॉपी बेच ली आप? मोर देन 3000। आई थिंक इट इज़ अ गुड नंबर फॉर अ ब्लैंक बुक, बट हाँ 3000 से ऊपर मैं कॉपी बेच चुका हूँ। हमने ये सुना कि आप जब ये किताब लिख रहे थे, ये जो खाली किताब आपने लिखी, इससे पहले आपने राहुल गांधी पर काफ़ी रिसर्च किया कि लोकसभा में राहुल गांधी ने क्या क्या बोला और क्या क्या किया, कितने बिल लेकर आए। राहुल गांधी, अगर मैं इस पूरे 2014 से 2019 तक की बात करूँ, राहुल गांधी ने एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया है लोकसभा में। वो सिर्फ 11 डिबेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एक भी प्राइवेट मेंबर बिल वो नहीं लाए हैं, जो कि नेशनल एवरेज से किसी भी मामले में बहुत नीचे है। वहीं योगी आदित्यनाथ, जो उनसे कम समय सांसद रहे हैं, क्योंकि अभी एक साल से तो वो सांसद नहीं है, डेढ़ साल से, उन्होंने 300 से ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, 3 प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं और लगभग 70 डिबेट्स में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो वो सेम एज है, सेम स्टेटस है, दोनों एक ही समकक्ष हैं और उन्होंने इतना कुछ डिलीवर किया। अब मैं अमेठी का उठा लेते हैं। अमेठी आज वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी की। इस 2014 की सरकार के बाद वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट आया पहली बार। राहुल गांधी क्या कर रहे थे पिछले 10 साल से? अगर कल आपको राहुल गांधी पर मूवी बनानी हो या डॉक्यूमेंट्री बनानी हो तब आप क्या करेंगे? देखिए, उसमें यही होगा, एक कैमरा रख के छोड़ देंगे और 3 घंटे तक वो चलता रहेगा, उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा, मूवी भी कंटेंटलेस ही होगी। और 2019 के बाद इसका सेकेंड एडिशन आएगा जो भी खाली ही होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवम। और अब जाहिर सी बात है, ये बुक अब जैसा कि शिवम का दावा है कि आप अमेजन पर भी खरीद सकते हैं। अब देखिए आपको ये बुक कितनी पसंद आती है। शिवम चौधरी ने बिल्कुल अलग अंदाज में राहुल पर तंज करने की कोशिश की है। 180 पेज की इस किताब में कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है, शायद इसीलिए इसकी कीमत भी 300 रुपए रखी गई है। लेखक शिवम चौधरी ने ये किताब उन लोगों को समर्पित की है जो ये सोचते हैं कि राहुल गांधी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे।